हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करें अकाउंटेंसी कन्वेंशन। तो देखो, अकाउंटिंग कन्वेंशन है क्या? तो अकाउंटिंग कन्वेंशन एक प्रकार की ट्रेडिशन, यूजेज ऑफ कस्टम है, मतलब एक मान्यताएं और प्रथा है जो लंबी अवधि से चलता आ रहा है, फ्रॉम सिंस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए, मैंने यहाँ नोट करवा दिया हूँ, अकाउंटिंग कन्वेंशन आर ट्रेडिशन यूजेज एंड कस्टम्स विच आर यूज इन सिंस लॉन्ग पीरियड। मोस्ट कन्वेंशन आर एज फॉलो, मतलब कि अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है एक ट्रेडिशन और कस्टम है, जो कहता विच आर यूजेज इन सिंस लॉन्ग पीरियड, जो लंबी अवधि से चलता आ रहा है। कहता मोस्ट कन्वेंशन आर एज फॉलो, जो कुछ कन्वेंशन है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो इस प्रकार से, कहता कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर ये कहता है आपको, फिनेंशियल स्टेटमेंट ये कहता है कोई भी इन्फॉर्मेशन है उस सारे इन्फॉर्मेशन को फिनेंशियल स्टेटमेंट पर को में शो कीजिए, मतलब जितने भी इन्फॉर्मेशन है बिजनेस का उन सारे इन्फॉर्मेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट में आप डिस्क्लोज करो, मतलब ऑल इन्फॉर्मेशन शोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद कहता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब कहता है जिस रूल्स को आपने वन ईयर में फॉलो किया हो उसी रूल्स को नेक्स्ट ईयर में भी फॉलो कीजिए, जैसे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक ना, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यदि आप इस्तेमाल किए हो SLM और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, इन दोनों में से कोई एक ही इस्तेमाल कंटिन्यू करो। इन दोनों में बहुत सारे मेथड होता है, उनमें से किसी एक मेथड को आपने फॉलो किया तो कंटिन्यूसली आप या जो सब्सिक्वेंट ईयर में भी आप उसी मेथड को इस्तेमाल करो जिस मेथड को आपने इस मेथड में इस्तेमाल किया हो। ठीक ना, उसी को बोला गया कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का मान्यताएं, प्रथाएं, समझ गए। उसके बाद कहता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है UGC नेट में, और जो CA का जो स्टूडेंट है उनको कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं बता दूं, इसमें ऐसा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें ये भी बताया पूछता है कभी कभी कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का दूसरा क्या नेम है, तो याद रखो इसी का नेम और है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक ना, जो इन फ्यूचर में होने वाला मतलब एंटीसिपेटेड इनकम है उसे इग्नोर कर दो और एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर दो, यानी कि एंटीसिपेटेड जो है एंटीसिपेटेड एक होती है इनकम और एक होती है एक्सपेंस, इसको कहता है रिकॉग्नाइज कर दो। ठीक है, और इसको कहता है इनकम को इग्नोर कर दो, मतलब कि फ्यूचर में होने वाले इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करनी है, मतलब कि इन फ्यूचर में जो एंटीसिपेटेड इनकम है उसे कहता इग्नोर कर दो, बट एंटीसिपेटेड जो एक्सपेंस है उसे रिकॉग्नाइज कर दो। क्यों? क्योंकि एक तरह से कहता प्रोविजन। इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा पूछता है, कहेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, किस अकाउंटेंसी कन्वेंशन या कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उसे ट्रीटमेंट की जाती है। तो देखिए, प्रोविजन जितने भी हमारे पास फिनेंशियल स्टेटमेंट पे जो दिया रहता है, कोई जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो या प्रोविजन जो बनाया जाता है वो इसी मेथड के अकॉर्डिंग कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही हम लोग कोई भी प्रोविजन और रिजर्व क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोविजन हम लोग इसलिए बनाते हैं कि इन फ्यूचर में होने वाला जो लॉस होता है उसको हम लोग कंपनसेट कर ले, चूँकि नहीं तो एकाएक बिजनेस में लॉसेज होगा तो हमें एकाएक भरपाई करने की आवश्यकता पड़ेगा, तो
तो बिजनेस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बैड डेट के बारे में जानते हैं कि अगर हम लोग क्रेडिट पे कोई सामान बेचेंगे, सोल्ड करेंगे, तो कुछ ना कुछ परसेंटेज है जो वो लॉस में जाएगा ही, बैड डेट होगा ही। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 2%, 3%, 5% से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को क्रिएट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर में जितना एक्चुअल होगा उसके बेसिस पे हम लोग काम ही कर लेते हैं। इन द सेम वे फिक्स एसेट्स में भी यही होता है। हम लोग जानते हैं कि आज न कल फिक्स एसेट्स का वैल्यू खत्म हो जाएगा, वो यूजलेस हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना के चलते हैं ताकि उस एसेट्स को रिप्लेसमेंट कर सके। तो आई होप कि आप लोग शायद यहाँ तक समझ गए होंगे, समझ गए ना। और ये इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, तो कभी कभी ऐसा पूछता है कंजर्वेटिव कंसेप्ट का दूसरा नाम क्या है, तो प्रूडेंस कंसेप्ट। कभी कभी कहेगा जितने भी रिजर्व और प्रोविजन जो क्रिएट की जाती है इनमें से अकाउंटिंग का किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, किस कॉन्वेंशन के बेसिस पे, तो आप हमेशा याद रखोगे यदि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट रहेगा तो वो आंसर देना, यदि कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट दिया रहेगा तो उसको हम लोगों को आंसर मानना है। ये दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कॉन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, मटेरियलिटी क्या कहता है, कहता है फिनेंशियल स्टेटमेंट में ओनली उसी डेटा को, उसी आइटम को, उसी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो जो बुक्स ऑफ अकाउंट को इफेक्ट डालता है। ठीक है, साथ साथ जो बिजनेस के लिए जो रिलेवेंट आइटम है, जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ओनली उसी इन्फॉर्मेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट अर्थात फिनेंशियल स्टेटमेंट पे आप रिप्रेजेंट करो। ठीक है, यानी कि ओनली दोज इन्फॉर्मेशन विच आर इफेक्ट टू बिजनेस या विच आर इफेक्ट टू बुक्स ऑफ अकाउंट, ओनली विच इन्फॉर्मेशन, ओनली विच इन्फॉर्मेशन इज, ओनली विच इन्फॉर्मेशन इज शो, ठीक ना, शो इन फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, शॉर्टकट में ऐसे समझिए कि ओनली उसी डेटा को हम लोग इन्फॉर्मेशन को शो करेंगे जो हम लोग को बिजनेस को इफेक्ट डालेगा या जो मैनेजर को, जो ऑडिटर को डिसीजन मेकिंग करने में जो हेल्प करती है, ओनली उसी डेटा, उसी इन्फॉर्मेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग को शो करनी है। तो यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आई? हाँ सर, आगे आपको, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ तक की कहानी ख़त्म हुआ, हमने अकाउंटेंसी कन्वेंशन क्या है इस चीज़ को मैंने डिस्कस करवाया, और ये इसमें कौन कौन सा मेथड है मैंने उस चीज़ को भी क्लियर करवाया। ठीक है,